सब्सक्राइब करें मेरे चैनल टेक एक्सपर्ट हिंदी को, बेल आइकन पर क्लिक करें ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर टेक एक्सपर्ट हिंदी में। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आप घर बैठे ही ऑनलाइन FIR कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। फ्रेंड्स, आप सबसे कहना चाहूँगी FIR होती क्या है। FIR ये है, यदि आपका कोई सामान, सपोज़ कीजिए कार, बाइक या मोबाइल चोरी हो जाता है, तो आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके उसकी रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। तो फ्रेंड्स, ये FIR हमें ज़रूर दर्ज करानी चाहिए। यदि हमारा कोई सामान चोरी हो जाता है या कार चोरी हो गई है, यदि वह क्राइम की जगह यूज़ हो रहा हो और यूज़ करते हुए यदि पुलिस पकड़ लेती है, तो जिसकी कार है तो पुलिस सबसे पहले उसके पास ही आती है और उसे पुलिस स्टेशन भी लेके जा सकती है, हो सके तो उसके साथ मार पिटाई भी कर सकती है। तो इन सब की परेशानी से बचने के लिए आपको FIR ज़रूर दर्ज कराना चाहिए। तो मैं बताऊँगी आप घर बैठे ही ऑनलाइन FIR दर्ज करा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे कहना चाहूँगी, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको गूगल क्रोम ब्राउज़र पर जाना पड़ेगा। यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा ऑनलाइन FIR। यहाँ पे आप लिख दें ऑनलाइन FIR दिल्ली पुलिस और एंटर कर दें। एंटर करने के बाद ये देखिए आपको यहाँ पे जो वेबसाइट है दिल्ली पुलिस शांति सेवा न्याय, आप यहाँ पे क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके सामने होम पेज खुल के आ जाएगा। आने के बाद आप यहाँ पे सिटीजन सर्विस, आप यहाँ पे जाके क्लिक करना पड़ेगा आपको। क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके पास ऑप्शन आ रहा है, यदि आपके सामान चोरी हुई है तो आप यहाँ पे क्लिक कर लें थेफ्ट FIR। मैंने इसमें क्लिक कर दिया है तो लॉस्ट रिपोर्ट, आपकी जो लॉस्ट हुई है तो आप इस ऑप्शन पे जाएंगे लॉस्ट रिपोर्ट, इस पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए आपके सामने आ जाएगी पुलिस रिपोर्ट ऑफ आर्टिकल डॉक्यूमेंट लॉस्ट इन दिल्ली। यहाँ पर सबसे पहले आप कंप्लेंट नेम, जो कंप्लेन कर रहा है उसका नाम यहाँ पर आएगा। यहाँ पे फादर्स नेम डालेंगे आप, यहाँ पे कंप्लेन एड्रेस, यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे, यहाँ पे कंप्लेंट्स मोबाइल नंबर, जिसने कंप्लेंट्स कराई है उसका यहाँ पे मोबाइल नंबर डाला जाएगा। नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे देखिए कंप्लेंट ईमेल आईडी, आपकी जो ईमेल आईडी नंबर होगी आप यहाँ पे डाल दें। प्लेस ऑफ लॉस इन दिल्ली, आपकी जो दिल्ली में किस स्थान पे लॉस हुई है, सामान चोरी हुई है, आप यहाँ पे उस जगह का एड्रेस डाल देंगे। यहाँ ये देखिए यहाँ पे डेट ऑफ लॉस, तो यहाँ पे आप जिस तारीख को चोरी हुई है आप यहाँ पे डेट डाल देंगे। और यहाँ पे देखिए आपकी आ रही है, यहाँ पे देखिए आपकी यहाँ पे टाइम, आप यहाँ पे टाइम, अब यदि आपको टाइम याद हो तो आप यहाँ पे टाइम भी डाल दें। यहाँ पे लॉस्ट आर्टिकल, आपकी जो चोरी हुई है यहाँ पे ऑप्शन आएगा क्या चोरी होगी, आप यहाँ पे ये कार मोबाइल कोई भी चीज़ चोरी हो आप यहाँ पे जाके क्लिक कर दें। डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे अपना सारी डिटेल यहाँ पे आप डाल दें डिस्क्रिप्शन में, जो आपका सामान चोरी हुआ है, यदि आपकी कार चोरी हुई है, इसके अलावा यदि आपकी मोबाइल या बाइक कोई भी चोरी हुई है या घड़ी, तो यहाँ पे ऐड के ऑप्शन पे जाएंगे। ऐड के ऑप्शन पे जाके फिर से आप यहाँ पे लॉस्ट आर्टिकल्स, जो चोरी हुई है मोबाइल घड़ी, यहाँ पर आप डाल देंगे। यदि नहीं हुई है तो आप यहाँ पे रहने देंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका कैप्चा कोड आएगा, आप यहाँ पे कैप्चा कोड को डाल देंगे। डालने के बाद आप यहाँ पे सबमिट बटन है, तो आप यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने
FIR नंबर आ जाएगा। आपने जो कंप्लेन कराई है वो कंप्लेन हो जाएगी और आपके ईमेल आईडी पर आपका FIR नंबर आ जाएगा। यदि आप चाहते हैं, आपने जो कंप्लेन कराई है उसका स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि प्लीज़ इंक्वायरी कर रही है या नहीं कर रही है, तो आप ये भी पता कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, आपको वैसे ही ऑप्शन पे जाना, आप यहाँ पे FIR देखिए, FIR VFIR, तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे प्रॉपर्टी थीफ केस, आप यहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास जो ईमेल आईडी पर आपका FIR नंबर आया होगा, आप यहाँ पे FIR नंबर डाल देंगे। डालने के बाद सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, क्या डिस्ट्रिक्ट है आपकी, फ्रॉम डेट, किस डेट को करवाई थी, ये यहाँ पे डेट डाल दें। नेम, यहाँ पे कंप्लेन नेम, जिसने कंप्लेन कराई थी यहाँ पे नाम डाल दें। यहाँ पे सिलेक्ट ईयर, सिलेक्ट पुलिस स्टेशन, किस पुलिस स्टेशन में कराई थी, और टू डेट, किस डेट को। कराने के बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे सर्च पे आप क्लिक कर दें तो आपके सामने स्टेटस आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप बहुत ही सिंपल तरीके से अपने घर बैठे ही FIR दर्ज करा सकते हैं। यदि आप किसी और स्टेट के हैं, बम्बई, हरियाणा, तो यदि आपको एक कंप्लेन करना आ जाता है तो आप किसी भी स्टेट में हो किसी भी स्टेट की कंप्लेन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।